लालची बर्फ गोले वाला। रघु और जग्गु भाई भाई थे, वह दोनों एक ही घर में रहते थे। रघु जो बड़ा भाई था उसका बर्फ गोले का एक ठेला था। रघु अपना ठेला एक स्कूल के सामने ही रखा था और बहुत ईमानदारी के साथ व्यापार करता था। लेकिन जग्गू कुछ काम ही नहीं करता था, लेकिन कुछ पैसे कमा ही लेता था। उसको शॉर्टकट में पैसे कमाना अच्छा लगता था। देखो जग्गू, ऐसा आवारापन अच्छा नहीं है। ईमानदारी के साथ कुछ काम करो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। क्या भैया, तू भी ना हर वक्त ईमानदारी का भाषण देते हो। क्या मिला है तुमको ईमानदारी के साथ जी के? लेकिन मुझे देखो, जो ही कमा रहा हूँ शॉर्टकट से ही कमा रहा हूँ। बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास। शॉर्टकट से तू भला पैसा तो कमाएगा, लेकिन तू कभी खुश नहीं रह पाएगा भाई। ये बोलकर रघु अपना बर्फ के गोले का ठेले के पास चला जाता है। तभी स्कूल छूटने की वक्त थी, तो बहुत सारे बच्चे गोला खरीदने के लिए उसके पास आ जाते हैं। भैया भैया, मुझे लाल वाला चाहिए, मुझे पीला वाला चाहिए, भैया मुझे काला खट्टा चाहिए। हाँ हाँ हाँ, दूंगा, सभी को जो चाहिए वही दूंगा। रघु अक्सर उसके यहाँ का जूस बहुत क्वालिटी का ही खरीदता था। वह जितना भी महंगी हो अच्छा वाला जूस ही खरीदता था, इसीलिए उसके गोले भी बहुत अच्छे रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक उसको एक फोन आती है कि उसकी माँ का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, इसीलिए वह सारा काम अपने भाई जग्गू को सौंपकर गांव निकलने वाला था। जग्गू देखो, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए मैं गांव जा रहा हूँ। तू मेरा ठेला संभालना, नहीं तो धंधा बंद पड़ जाएगा। और हाँ, एक और बात, अगर गोले के लिए जूस खत्म हो गया तो तुम सिर्फ अच्छे वाला जूस ही खरीदना। मार्केट में कम दाम वाले भी मिलते हैं, लेकिन उसमें केमिकल्स बहुत रहते हैं, उससे बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है। अरे हाँ भैया, तुम जाकर माँ का ख्याल रखना, तुम्हारा ठेला मैं देख लूंगा ना। ऐसा ही जग्गू ठेला खोलता है और जैसे ही जूस खत्म हो गया वह मार्केट में जाकर कम दाम वाला जूस ही खरीदता है। अरे कम दाम वाला खरीदूंगा तो मुझे बहुत मुनाफा होगा, मेरा भाई बिल्कुल नालायक है। ऐसा सोचकर केमिकल्स वाले जूस ही कम दाम में खरीदता है और ठेले पर उसी से बनाया हुआ बर्फ के गोले बेचना शुरू करता है। बहुत सारे बच्चे आकर गोले खाने लगे, लेकिन अगले दिन कोई नहीं आया। जब स्कूल छूटा तभी एक ही लड़की आती है। तभी जग्गू उससे पूछा, अरे बेटा सारे बच्चे किधर हैं? कोई नहीं दिख रहा है। अंकल, कल जो भी आपके पास गोला खाया सभी को कलरा हो गया है, सभी बच्चे अस्पताल जा चुके हैं, सभी लोग आपसे बहुत नाराज हैं। इतने में स्कूल के प्रिंसिपल कुछ पेरेंट्स आकर जग्गू को गंदी और केमिकल्स वाली गोले खिलाने के लिए बहुत पीटते हैं। जग्गू बाद में पछता कर क्षमा भी मांगी। उस तरह लालची गोले वाले जग्गू को भी मिली बुद्धि। गरीब सत्तू की शरबत वाली। एक गांव में महावीर नाम का एक आदमी था। वह अपने बीवी लीला और बेटा विनोद के साथ एक झोपड़ी में रहता था। महावीर के पास कुछ जमीन नहीं था, इसीलिए वह दूसरे साहूकारों का जमीन पर काम करता था। जब शाम को कुछ पैसे मिलते थे उन्हीं से अपना गुजर बसर करता था। एक दिन जब महावीर काम करके थक कर घर आया, अरे लीला, आज बहुत धूप है, मैं बहुत थक गया हूँ, खाने के लिए कुछ देना। अरे आप पहले हाथ मुंह धो के आइए, मैं कुछ लाती हूँ। लीला ऐसा बोलकर जल्दी से एक सत्तू की शरबत बनाकर लेके आती है। उस सत्तू के शरबत को पीकर महावीर बोला, अरे वाह लीला, तुम्हारी सत्तू की शरबत ने तो मेरा सारा थकान और गर्मी दूर कर दी। सचमुच तुम बहुत अच्छी तरह सत्तू की शरबत बनाती हो। एक दिन जब महावीर खेत में काम कर रहा था, अचानक एक पेड़ की टहनी आकर उसके हाथ पर गिरी और वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया। जब ये बात लीला को पता चला, तुरंत उसे अस्पताल लेके जाती है। तभी डॉक्टर ने लीला से बोला, लीला बहन, उसकी हाथ टूट गई है,
इसीलिए उसको कम से कम 6 महीने तक कुछ काम नहीं करना चाहिए। ये बात सुनते ही लीला और महावीर उदास हो जाते हैं। आप दुखी मत रहो जी, मैं कुछ न कुछ करके अपना घर को चलाऊंगी। मैं साहूकार से कुछ पैसे उधार मांग के घर चलाने का इंतजाम करूंगी। अगले ही दिन साहूकार महावीर के घर आते हैं। तभी लीला ने कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए साहूकार से विनती करती है। बाद में एक ग्लास सत्तू का शरबत भी साहूकार को देती है। उसे पीकर साहूकार बोले, अरे लीला, पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन बाद में उसे कैसे चुका पाओगी? तुम पढ़ी लिखी तो नहीं हो। तुम एक काम करो, मैंने तुम्हारे सत्तू की शरबत को पिया है, बहुत अच्छी है। क्यों ना तुम गांव में ही एक सत्तू की शरबत बेचने का व्यापार शुरू किया जाए। उसके लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। शाहूकार की आइडिया लीला को पसंद आ गई। तुरंत भाड़े में एक ठेला और कुछ बर्तन लेकर गांव के सेंटर में एक सत्तू के शरबत का ठेला लगाती है। पहले तो कोई नहीं आया शरबत पीने के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद लीला की सत्तू की शरबत पीकर सब लोग तारीफ करने लगते हैं। देखते ही देखते वहां पर शरबत पीने की लाइन लग जाती है। दूर दूर से लोग आकर लीला की शरबत पीने लगे। ऐसा ही एक बार मशहूर खाने का वीडियो निकालने वाला फूड ब्लॉगर वहां पर आया। अरे लीला जी, सच में आपकी शरबत बहुत टेस्टी है। रुकिए, मैं अभी आपका ठेला का और आपके शरबत का वीडियो निकाल कर मैं अपने सोशल मीडिया में डाल दूंगा, फिर देखना कमाल। उस आदमी ने वीडियो सोशल मीडिया में डालने के बाद लीला की व्यापार निकल पड़ती है। लीला ने साहूकार का कर्जा भी बहुत जल्दी ही चुका दिया। तब से लीला और महावीर अपने बेटे के साथ खुशी खुशी से रहने लगे। घमंडी भैंसा और रेलवे क्रॉसिंग। रामनगर में जग्गू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक भैंसा गाड़ी थी जिसे कि उसका भैंसा चलाया करता था। यही भैंसा गाड़ी जग्गू की रोजी रोटी का साधन था। जग्गू बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो अपने भैंसे को बहुत प्यार करता था। वो उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता और उसे नहलाता धुलाता भी था। और वो भैंसा गाड़ी पर जरूरत से ज्यादा सामान कभी लोड नहीं करता था। अरे भाई जग्गू, ये 2 बोरियां और लाद ले। अरे नहीं सेठ जी, मुझे पता है ना मेरा भैंसा कितना खींच सकता है। ये 2 बोरियां मैं बाद में ले जाऊंगा, आप पैसे बेशक ज्यादा मत देना। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, तूने सामान ले जाना है। जग्गू के इस लाड़ प्यार से जग्गू का भैंसा बहुत बिगड़ चुका था और वो पूरे गांव में बड़ा इतराता हुआ घूमता था। जग्गू के शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बीच में रेलवे लाइन पार करके जाना पड़ता था, जहां पर बिना फाटक का रेलवे क्रॉसिंग था। जब भी जग्गू वहां से अपनी भैंसा गाड़ी लेकर पहुंचता तो वो बड़े आराम से वहां रुक कर जाता था कि कहीं कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। रेलवे क्रॉसिंग आते ही जग्गू अपने भैंसे से कहा करता था, अरे 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 बेटा, रुक जा, आराम से, देख रेलवे क्रॉसिंग आ गया है, थोड़ी देर खड़ा हो जा, इधर उधर देखते हैं कहीं रेल तो नहीं आ रही। जग्गू की ये बात उसके भैंसे को अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचता था कि न जाने ये कौन सी गाड़ी है जो मुझसे भी आगे निकल जाती है। इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता था। ये मालिक अपने आप को समझता क्या है? मैं इस इंजन से हार नहीं मान सकता। जब देखो इस इंजन के आगे मुझे रोक देता है, मेरी ताकत को आंकना इसे नहीं आता। एक बार अगर इसने मुझे छोड़ दिया ना, तो इस इंजन से आगे निकल कर दिखा दूंगा। लेकिन जग्गू के गाड़ी पर बैठे होने के कारण वो कभी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता था। बस वो गुस्से में ही अपने नथुने फुलाता रहता था। जग्गू का भैंसा हमेशा ही मन में सोचता रहता था कि उसे कब मौका मिले और कब वो रेल की गाड़ी को टक्कर दे। एक दिन बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। जग्गू ने अपनी भैंसा गाड़ी को रेलवे क्रॉसिंग पर लाकर रोक दिया और भैंसे से कहा, बेटा देख, यहाँ आराम से खड़े रहना, मैं तेरे लिए और अपने लिए पानी लेकर आता हूँ, यहाँ से हिलना मत, रेल आने वाली है। जग्गू अपने भैंसे से ऐसा कहकर बगल से पानी लाने चला गया। जग्गू को गाड़ी से उतरता देख भैंसा बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया मौका हाथ आया है आज। इस इंजन को तो आज मैं बता कर रहूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी एक तरफ से रेलगाड़ी हॉर्न बजाती हुई आई। जैसे ही रेलगाड़ी क्रॉसिंग के पास पहुंची, वैसे ही भैंसा आगे बढ़ा और उसने रेलगाड़ी को टक्कर मारकर हराने के लिए सोचा।
लेकिन रेलगाड़ी तो भला रेलगाड़ी ही ठहरी। बेचारा भैंसा रेलगाड़ी के नीचे आकर कटकर मर गया और जग्गू दूर से ही देखकर रोने लगा। ये क्या किया तूने? मैंने तुझे इतना समझाया था कि रेलगाड़ी के आगे मत आना मत आना। आज तेरे घमंड के कारण बेटा तूने अपनी जान ले ली। इसीलिए कहते हैं हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए।